अगर आप अलग अलग बताएं वर्ल्ड शूटिंग विद अनुभव। फर्स्टली ह्यूज थैंक्स टू सर, ह्यूज थैंक्स टू एवरीबॉडी आउट हियर। एंड मैं सोच के आया था कि मैं क्या बात करूंगा सर के बारे में, बिकॉज देयर इज टू मच टू टेल। एक होता है दैट व्हेन यू हैव अ बिग डायरेक्टर ऑन बोर्ड एंड व्हेन यू आर न्यू कमर, तो द डायरेक्टर ट्राइज टू से कि ये चीज सही है, इसको इस तरीके से करो। बट सर बिल्कुल भी ऐसे नहीं थे, ही वॉजंट अ डिक्टेटर, ही वॉज मोर लाइक यू वर्किंग ऑन अ डेमोक्रेटिक सेट। तो अगर मुझे कुछ डाउट होता था या मुझे कुछ कन्फ्यूजन थी तो सर बहुत अप्रोचेबल थी। मैं जाता था सर के पास, मैं कहता था कि सर ये कन्फ्यूजन है और कुड आई डू इट दिस वे। तो या तो दो ऑप्शंस थे, या तो सर वुड कन्विंस मी और आई वुड ट्राई एंड कन्विंस सर कि मे बी इवन दिस कैन वर्क। तो दैट इज अ वेरी बिग थिंग फॉर एन एक्टर, बिकॉज इट लेट्स यू ग्रो एज अ पर्सन एंड एज एन एक्टर। एंड अगर आपने टीजर में भी देखा होगा द काइंड ऑफ लाइंस दैट आर इन द फिल्म, ये लाइफ में जो हम चाहते हैं और जो हम चुनते हैं उसके बीच में हमारी कमजोरी छुपी होती है और कभी कभी ताकत। दिस लाइन व्हेन आई रेड फॉर द फर्स्ट टाइम, सर ने मुझसे पूछा कि आपको क्या लगता है इसके बारे में। मैंने कहा सर ए बी एंड सी। ही सेड फेयर इनफ, बट इसमें ए बी सी डी ई एफ टिल जेड है जो सर ने मुझे बताया। तो दैट हेल्प मी एज एन एक्टर एंड एज अ पर्सन टू डू। सो हैट्स ऑफ टू हिम, थैंक यू सो मच सर। अच्छा अभी सच्ची वाला बता।